वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, मैंने अपने हिसाब से ये किया, वो अपने हिसाब से मुझे बताएगा, तुम अपने हिसाब से वहाँ जाओगे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अपने हिसाब से, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ओन चॉइस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस बाय प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माय, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस ओन चॉइस प्लस अदर वर्ड्स। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो अपने हिसाब से काम कर रहा है यानी वो अपनी मर्जी से काम कर रहा है। ही इज वर्किंग बाई हिज ओन चॉइस, ही इज वर्किंग बाई हिज ओन चॉइस, ही इज वर्किंग ये सिचुएशन के हिसाब से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। विच मीन वो काम कर रहा है, बाई हिज ओन चॉइस मीन अपने हिसाब से, हिज ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैंने अपने हिसाब से ये किया, आई डिड इट बाय माई ओन चॉइस, I did it by my own choice. I did it. ये सिंपल पास्ट टेंस का सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है। विच मीन मैंने ये किया, by my own choice मीन अपने हिसाब से, my ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो अपने हिसाब से मुझे बताएगा यानी वो अपनी मर्जी से मुझे बताएगा। He will tell me by his own choice. He will tell me by his own choice. He will tell me. ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। विच मीन वो मुझे बताएगा, बाय हिज ओन चॉइस मीन अपने हिसाब से या अपनी मर्जी से। ही विल टेल मी, ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। विच मीन वो ये थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है जो मेल को रिप्रेजेंट करता है। टेल ये वी वन है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। विच मीन बताना, मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। विच मीन मुझे, विल ये सिंपल फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज टू शो एन एक्शन दैट विल हैपन इन नोन टाइम इन फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर टेंस ये ऐसे कामों को जाहिर करने के लिए यूज होता है जो आने वाले वक्त में होता है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुम अपने हिसाब से वहां जाओगे, यू विल गो देयर बाय योर ओन चॉइस, you will go there by your own choice, you will go there. ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का फिक्र है। विच मीन तुम वहाँ जाओगे, by your own choice मीन अपने हिसाब से, your ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, यू ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। विच मीन तुम, गो ये वी वन है यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। विच मीन जाना, देयर मीन वहाँ। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो अपने हिसाब से आएगा, ही विल कम बाय हिज ओन चॉइस, ही विल कम बाय हिज ओन चॉइस, ही विल कम ये सिंपल फ्यूचर टेंस का फिक्र है। विच मीन वो आएगा, बाय हिज ओन चॉइस मीन अपने हिसाब से, ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है। विच मीन वो कम, ये वी वन है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, विच मीन आना। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो अपने हिसाब से पकाएगी, शी विल कुक बाय हर ओन चॉइस, शी विल कुक बाय हर ओन चॉइस, शी ये भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है जो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, यानी हम शी को मुअन्नस के लिए यूज करते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो अपने हिसाब से चली गई, शी वेंट बाय हर ओन चॉइस, शी वेंट बाय हर ओन चॉइस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। हम अपने हिसाब से खेलेंगे, हम अपने हिसाब से खेलेंगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम।